हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय ट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन वन प्रेयर क्लास फिफ्थ एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध प्रश्न, आपने जो पढ़ा है कविता में उसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। आंसर दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर यानी उत्तर देना, क्वेश्चन यानी प्रश्नों के, दीज यानी ये। बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोयम। पोयम में जो राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको खोजना है। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं दोस्तों? राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी जैसे कोई शब्द है, उस शब्द का लास्ट का वर्ड और एक दूसरा और शब्द होता है उसका ही लास्ट का वर्ड एक ही होना चाहिए। मान लो जैसे कोई एक शब्द दिया हुआ है, इसका लास्ट का वर्ड, और एक शब्द और आएगा उसका भी लास्ट का वर्ड। एक वर्ड कौन सा मान लो ये ले लिया और उसका लास्ट का वर्ड, यानी उन शब्द के लास्ट के वर्ड बिल्कुल एक जैसे ही होना चाहिए, तो उनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो कविता में जो राइमिंग वर्ड आए हैं अपने को उनको छांटना है ना। जैसे आपका है थिंग तो सिंग, लास्ट में भी गा है और इधर भी गा है, तो ये राइमिंग वर्ड हुए, है ना। थिंग्स, सिंग, सिंग, बीस, ट्रीस, मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, देयर का वियर, है ना। थिंग्स यानी होगा चीजें, सिंग यानी गाना, बीज यानी मधुमक्खियां, ट्रीज यानी पेड़, मदर्स यानी माता, फादर्स यानी पिता, ब्रदर्स यानी भाई, सिस्टर यानी बहन। देयर का हिंदी मतलब होता है वहां, किस स्थान के लिए यूज करते हैं, और वियर का हिंदी मतलब होता है पहनना। ये शब्द क्या है दोस्तों? ये आपके राइमिंग वर्ड है। आप इनमें देखोगे कि लास्ट का वर्ड सेम ही है सभी में। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, है ना। आप सबसे ज्यादा कौन सी लाइन को पसंद करते हैं? मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, लाइक यानी पसंद करना। दोस्तों लाइक पे एक स्पोकन इंग्लिश में मैंने वीडियो बना के रखा है, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के स्पोकन में जाएं। वीडियो नंबर 25 लाइक की है दोस्तों। तो लाइक का हिंदी मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, है ना। विच यानी कौन सी, लाइन यानी पंक्ति, डू यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद करना। कौन सी पंक्ति है, कौन सी लाइन है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक दीज लाइन ऑफ द पोएम मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा इन लाइनों को पसंद करता हूँ। आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, दीज यानी इन, लाइन्स यानी लाइनों को, ऑफ पोएम यानी पोएम की, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। तो क्या है? फॉर फादर्स एंड अवर मदर्स, फॉर अवर सिस्टर एंड अवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड, कि भगवान जो है हमारे पिता के लिए, हमारी माता के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी ब्रदर के लिए, हम सब जो है तुमको धन्यवाद देते हैं। थैंक यानी धन्यवाद देना, यू यानी तुम्हें, गॉड यानी भगवान। फॉर का हिंदी मतलब होगा के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, हम तुमको जो है धन्यवाद देते हैं भगवान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का आभारी क्यों होना चाहिए, है ना। तो थैंकफुल यानी आभारी होना या एहसानमंद होना, टू गॉड यानी भगवान का, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, हमें जो है भगवान का एहसानमंद या आभारी क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान ने जो है हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, इसलिए वी शुड बी थैंकफुल, हमें आभारी होना चाहिए टू गॉड यानी भगवान का। ये दोस्तों इतना जो है आपका क्वेश्चन सही लिया गया है, है ना। किसको हटाकर? वाई को हटाकर, वाई के स्थान पे वी लगा दिया है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का आभारी होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, बिकॉज यानी क्योंकि, है ना। चाहे तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं इतना इतना। आपका आंसर कहाँ से बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा इतना यहाँ से, द गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग दैट वी नीड, भगवान ने जो है सारी चीजें दी है जिसकी हमें जरूरत होती है, है ना। गॉड हैज गिवन अस, भगवान ने हमें दिया है, गिवन यानी देना, हैज ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है सेंटेंस, तो हैज हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है गिवन, गिव की सेकंड फॉर्म, गिव की जो है थर्ड फॉर्म होती है। अस यानी हमें, एवरीथिंग यानी सब कुछ, देट जो,
वी नीड, जो हमें जरूरत थी, भगवान ने हमें सारी चीजें दी है जिसकी हमें जरूरत दी है, जरूरतें थी, नीड यानी जरूरतें, इसलिए जो है हमें भगवान का आभारी होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड, भगवान को सबसे अच्छा तरीका क्या है धन्यवाद देने का, है ना। पे थैंक्स का मतलब होगा धन्यवाद देना, टू यानी भगवान को, व्हाट इज यानी क्या है, सिंपलेस्ट यानी सबसे सरलतम, वे यानी तरीका, है ना, सबसे सरलतम तरीका क्या है भगवान को धन्यवाद देने का। प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड, प्रार्थना ही करना, प्रार्थना करना ही भगवान का, प्रार्थना करना ही सबसे सबसे सरल तरीका है भगवान को धन्यवाद देने का। प्रेयर्स यानी प्रार्थना करना, इज यानी है सिंपलेस्ट यानी सबसे सरलतम, वे यानी तरीका, टू पे थैंक्स धन्यवाद देने का, टू गॉड भगवान को धन्यवाद देने का सबसे सही तरीका यही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें आपको क्लास फर्स्ट से 12 तक की सारी चीज़ें मिलेंगी, ग्रामर, लेसन से संबंधित और वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद।